5 4 3 2 1। महोदय, मैं राजनीति में अपने स्वयं के आधार पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्तियों को श्रेय नहीं देना चाहता। जैसे कि कुछ सदस्यों ने कहा, इस संस्थान ने केरल में विशेष विषयों में गहन अध्ययन केंद्र के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में थीं। उस समय भी कार्यरत वैज्ञानिकों के त्याग और कर्तव्य निष्ठा से इस संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया, लेकिन श्रीमती गांधी तथा उनकी सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने में कोई रुचि नहीं ली। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक श्रीमती गांधी के पास असीमित शक्तियां थीं। उस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए उन्होंने अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं किया। श्री अराकल ने जो श्रेय श्रीमती गांधी को दिया, उसका यही रहस्य है और उन्होंने इसके लिए प्रशंसा की है। जैसे कि श्री पाटिल ने कहा, सरकार के पास 1979 में विधेयक का पुरस्थापित प्रस्ताव था, इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का निर्णय जनता शासनकाल में ले लिया गया था। विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित किया गया तथा पास भी किया गया। लोकसभा भंग हुई। केरल के लोग, केरल सरकार और हम केरल के संसद सदस्य आशा रख रहे थे कि कई लोकसभा के पहले सत्र में ही इस विधेयक को लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने विधेयक को तैयार करने तथा इसे साथ में पेश करने के लिए 11 महीने का समय लिया। सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों द्वारा जिन त्रुटियों का निर्देश किया गया, उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि वहां कार्यरत वैज्ञानिकों के त्याग तथा कर्तव्य निष्ठा से ये संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में काम कर रहा है। संस्थान की विचित्रता ही राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक है। लेकिन विधेयक के खंडों के बारे में मुझे भय है कि कहीं संस्थान की स्वायत्तता पर आधार न हो। खंड 26 में लिखा गया है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निभाने के संबंध में संस्थान तथा केंद्रीय सरकार के लिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा। मैं केंद्रीय सरकार के अंतिम अधिकार देने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सामान्यतः ही यह रहा है। जैसे कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही कहा है कि कभी कभी केंद्रीय सरकार के निर्णय अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव अथवा इसी पदवी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट पर निर्भर करते हैं, जिसके फल
फलस्वरूप निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। यह विधेयक पिछले वर्षों से निलंबित पड़ा है, जिसके फलस्वरूप संस्थान को चलाने वाले अधिकारियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नियम तथा प्रक्रिया बनाने में और अधिक देर न करें। उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो लंबा वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट है कि इन्होंने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों और हिंदुस्तान के इजारेदारों की कंपनियों की वकालत की है। उन्होंने जो दाम बढ़ाने की नीति अपना रखी है, उसका उन्होंने समर्थन किया है। जाहिर बात है कि जब तक इस नीति पर सरकार चलेगी, तो गरीबों को जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं हो सकती, यह मानकर चलना होगा। अगर ऐसी बात न होती, तब हाथी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरा पूरा मानकर जीवन रक्षक दवाइयों का पूरा उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में, कारखानों में किया जाता। ऐसा नहीं हो रहा है और समय समय पर सरकार कानून भी बनाती है, ऑर्डर भी इसे करती है, लेकिन उसका दवा कंपनियों के बड़े बड़े इजारेदारों पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तो मौत के सौदागर हैं। वे लोगों की मौत से मुनाफा कमाना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी हाल में 14 दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। खुद मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में 18 नवंबर को कहा है कि 75% कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अभी अपने भाषण में इन्होंने कहा है कि 10-15% कीमतें बढ़ी हैं। इन दोनों में कोई मेल नहीं है। यह जरूर है कि 1962-63 में चीन की लड़ाई के समय भारत में दवाओं की कीमतों को फ्रीज किया गया, उन्हें रोका गया था। अब खुद दो बार सरकार ने दवाओं के दाम बढ़ाए और फिर उसके बाद अक्टूबर में भी 11 दवाओं के दाम सरकार ने बढ़ा दिए। उनमें 3 दवाओं को और जोड़ दिया गया। इस तरह से 14 दवाओं के मूल्य सरकार ने बढ़ा दिए। अगर इस तरह से दवाओं के दाम बढ़ाते जाइएगा, तो गरीब आदमी दवाओं को कैसे खरीद पाएगा।